नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत में सेकंड डायनेस्टी जो आई थी अलाउद्दीन खिलजी के लिए, खिलजी डायनेस्टी, जो कि 1290 से लेकर 1320 तक रूल करती है। उससे पहले सेलेब डायनेस्टी आई थी, उससे मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, आप देख लीजिए। तो देखिए कौन कौन से खिलजी डायनेस्टी के रूलर्स हैं जो दिल्ली पे राज करते हैं। जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी का सबसे बड़ा मेन लीड रोल रहता है दिल्ली सल्तनत पे। खिलजी डायनेस्टी में मुबारक शाह का लीड रोल नहीं रहता और खुसरो शाह इनका भी लीड रोल नहीं रहता यहाँ पर। फिर उसके बाद आते हैं कैबद खान, जो कि एक हिंदू कन्वर्टेड मुस्लिम होते हैं, तो उनका भी अच्छा खासा रोल नहीं होता। तो खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर जो होते हैं जलालुद्दीन खिलजी होते हैं, जो कि फादर इन लॉ होते हैं किसके, अलाउद्दीन खिलजी के, और साथ ही साथ उसके अंकल भी होते हैं। जलालुद्दीन खिलजी को अलाउद्दीन खिलजी जो है कारा बिहार में मरवा देता है, बिहार में बुलाकर नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे। और देखिए अलाउद्दीन खिलजी को कारा बिहार, जो कारा एक जगह है बिहार में, वहाँ का गवर्नर बना देता है। कौन? जलालुद्दीन खिलजी। फिर वहीं पर इसको मारने के बाद अलाउद्दीन खिलजी जो है अपना किंगडम बनाता है, अपना पूरा दिल्ली सल्तनत पर रूल करना स्टार्ट कर देता है और पूरे इंडिया पे लगभग रूल करता है। देखिए अलाउद्दीन खिलजी जो कॉन्क्वेस्ट करता है, जितना भी कॉन्क्वेस्ट करता है इंडिया पे, सबसे मेन बात है कि वो लूट मचाता है। वो मारता कम है लोगों को, वहाँ लूट ज़्यादा मचाता है। तो उसने यादव डायनेस्टी को बहुत ज़्यादा लूटा, जो कि किंग रामचंद्रा जो थे देवगिर मध्य प्रदेश के, वहाँ पर उन्होंने बहुत ज़्यादा उनका खजाना वगैरह को लूट लिया। और जो इसका फर्स्ट, इसने बहुत सारे कैंपेन चलाए, यानी कि फिजिकल कॉन्क्वेस्ट चलाए कि हमें यहाँ पर जाके इस क्षेत्र को जीतना है। तो देखिए इसने तीन चार कैंपेन चलाया था, जिसमें से तीन जो है इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि फर्स्ट कैंपेन जो है इसका, एक स्लेब था मलिक कफूर, जिसने दिल्ली से पैदल मार्च करके कहाँ पर, रामेश्वरम, यानी कि अभी के कहें तो तमिलनाडु तक मार्च किया। और जितने रास्ते में आते गए सबको वो लूटता चला गया और अपने किंगडम में मिलाता चला गया, मलिक कफूर। सेकेंड जो अटैक था अलाउद्दीन खिलजी का, वो रणथंबर एरिया था, कहाँ पर, राजस्थान का रणथंबर एरिया। और थर्ड जो अटैक था वो 303 में चित्तौड़ के किंग जो रावल रतन सिंह है, इनके ऊपर जो मूवी बनी है पद्मावत मूवी बनी है, यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी का रोल रहा था अटैक करने में और उसे लूटने में। थर्ड अटैक के बारे में कहाँ पता चलता है? तो थर्ड अटैक के बारे में जैसे मैंने बताया कि पद्मावत एक बुक है, उसके अंदर पता चलता है। देखिए 305 में इसने कैप्चर कर लिया मांडू। मांडू जो रीजन है वो मध्य प्रदेश का रीजन है, जो गुजरात से सटा हुआ रीजन है मध्य प्रदेश में, वो मांडू है, जो कि किससे इसने जो है ले लिया था, तो मलिक मुजैसी के द्वारा छीन लिया था। इसने एक सूफी संत थे मलिक मुजैसी, वहाँ पर रूल कर रहे थे, उनसे इसने कैप्चर कर लिया। एज अ रूलर जो है अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत पे क्या किया है? देखिए सबसे बड़ा जो अलाउद्दीन खिलजी का माना जाता है एज अ रूलर, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस बहुत माना जाता है। ठीक, तो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस में क्या क्या ये चेंजेस करता है तो वो देख लेते हैं। देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने थ्योरी ऑफ किनशिप लाया, ठीक, इम्पेरियलिज्म और एक्सपेंशन लाया, यानी कि वो एम्पायर को बढ़ाना चाहता था। अपने आप को टाइटल दिया सिकंदर ए आज़म, अपने आप को, देखिए अलाउद्दीन खिलजी का टाइटल है सिकंदर ए आज़म, इसको याद रखिए। गवर्नेंस रिफॉर्म्स भी इसने किए, तो गवर्नेंस रिफॉर्म में देखिए क्या क्या किया, मिलिट्री रिफॉर्म किया, मार्केट रिफॉर्म किया, जिसमें वेट स्पाइस, इनके बारे में हम अभी सब पढ़ेंगे पूरे डिटेल में। लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड जो है रिफॉर्म किया इसने, फर्स्ट टाइम जो है लैंड मेजरमेंट सिस्टम इसने इंट्रोड्यूस किया, डाक सिस्टम ऑन हॉर्स यानी कि ब्रांडिंग करना घोड़ों पे इसने इंट्रोड्यूस किया, राइट। किनशिप थ्योरी में देखिए ऑटोक्रेटिक रूल इसने एस्टेब्लिश किया, सप्रेशन ऑफ नॉवेल्स, इसने जो है नॉवेल्स को सप्रेस करना स्टार्ट कर दिया, इसने नॉवेल्स को लगभग ख़त्म ही करना स्टार्ट कर दिया था। किनशिप्स नॉन एज द किंगशिप नॉन एज द नो किनशिप कर दिया इसने, एंड रिफ्यूटेड द सुजरेनिटी ऑफ खलीफास, और इसने जो है रिजेक्ट कर दिया कि हम जो है खलीफा के सुजरेनिटी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। खलीफा जो कि अबादिस, जो कि अरेबिया में बैठे होते थे और उनसे रूल चल रहा होता था, जैसे कि दिल्ली सल्तनत पे सेलेब डायनेस्टी कहती थी कि हम खलीफा की तरफ से रूल कर रहे हैं।
सोशियो कल्चर रिफॉर्म में क्या किया था, जिसमें क्या क्या चेंज अलाउद्दीन खिलजी लाते हैं, तो सबसे पहले इक्ता सिस्टम जो है उसको एबॉलिश कर दिया, उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। फर्स्ट टाइम जो है इसने स्टार्ट किया कैश सैलरी टू एम्प्लॉयज़, जो सेना है या आर्मी है किसी भी प्रकार के एम्प्लॉयज़ हैं उनको कैश में सैलरी देना था। उससे पहले क्या करते थे, दिल्ली सल्तनत इक्ता सिस्टम चलता था, जागीरदारी या कुछ जो है लैंड के टुकड़े दे दिया करते थे एज अ सैलरी, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते थे, बट यहाँ पर कैश सैलरी इसने स्टार्ट किया। मिलिट्री रिफॉर्म्स में क्या इसने किया, तो मिलिट्री रिफॉर्म में देखिए चेहरा सिस्टम लाया, आइडेंटिटी कार्ड, यानी कि एक आइडेंटिटी कार्ड बना दिया गया और वहाँ पर बता दिया गया ये किस पद पे काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है आर्मी का, तो चेहरा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया इसने। दाग ऑन हॉर्स किया, यानी कि घोड़ा के ऊपर ब्रांडिंग सिस्टम स्टार्ट कर दिया, यहाँ पर जो दाग लगाते हैं। ही डिफीटेड 6 टाइम 2 मंगोल्स, और इसने 6 बार जो है मंगोल्स को हराया है इसी पॉलिसी के कारण, ताकि मिलिट्री जो चेहरा से पहचाना जा सके कि ये हमारे ही मिलिट्री के जवान हैं। इकोनॉमिक्स रिफॉर्म में देखिए क्या क्या करते हैं ये, 4 टाइप के मार्केट इन्होंने रिफॉर्म किए। पहला एनिमल प्लस स्लेव मार्केट किया, ये मार्केट के रिफॉर्म थे और मार्केट के फॉर्म थे इनके यहाँ पर। फूड एंड ग्रेन मार्केट में इन्होंने रिफॉर्म किया, कॉमोडिटी मार्केट में रिफॉर्म किया, मिसलिनियस प्रोडक्ट यानी कि जितने छिटमुट प्रोडक्ट होते हैं उनके ऊपर इन्होंने पूरा रिफॉर्म किया। किस प्रकार का रिफॉर्म किया, तो देखिए सबसे पहले ही फिक्स प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, इन्होंने जो है मैक्सिमम रिटेल प्राइस रखा, यानी कि किसी प्रोडक्ट का प्राइस जो है इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। और इन्होंने जो है बारीद स्पाइस होते हैं, जासूस होते हैं जिनको बारीद कहते थे उस समय पे, ये क्या करते थे, ये मार्केट में जाते थे और चीज़ों को चेक करते थे कि कोई जो है सेलर ज़्यादा महंगे पे तो सामान नहीं बेच रहा और ज़्यादा सस्ते पे तो नहीं बेच रहा, ताकि मार्केट का बैलेंस और इम्बैलेंस तो नहीं बिगड़ रहा, तो ये सब चीज़ें चेक करते थे, बारीद कहते थे उनको। ये सब चीज़ें आपको एनसीईआरटी मिल जाएंगी, और इनसे रिलेटेड जो है क्वेश्चन यूपीएससी में, अब बीपीएससी में, यूपीपीसीएस में मैंने देखे क्वेश्चन पूछे गए हैं स्टेटमेंट में, तो ये सब चीज़ें आपको पता रहना चाहिए। लैंड रिफॉर्म में क्या करते हैं अलाउद्दीन खिलजी, तो देखिए लैंड रिफॉर्म में क्लासिफिकेशन ऑफ द लैंड बाय अलाउद्दीन खिलजी, मेजरमेंट ऑफ द लैंड सबसे इंपॉर्टेंट है, कि इन्होंने मेजरमेंट लैंड का जो है इंट्रोड्यूस किया, ठीक। तो ये सब चीज़ें स्टेटमेंट में आ जाता है, जैसे दाग सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया, इक्ता सिस्टम किसने एबॉलिश किया, राइट, और जो है लैंड मेजरमेंट किसने स्टार्ट किया, मैक्सिमम रिटेल प्राइस किसने स्टार्ट किया, बारिद कौन होता है, इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। टैक्स फिक्स बाय द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड, देखिए टैक्स कैसे फिक्स्ड होता था, उसके डिपेंड करता था कि भूमि जो है, जो लैंड है वो कितना उपजाऊ है, उसके हिसाब से जो है टैक्स फिक्स होता था। देखिए तो यहाँ पर 2-3 टैक्स थे, जिसमें से 2 इंपॉर्टेंट है। घराई टैक्स जो कि प्रॉपर्टी टैक्स होता था, देखिए घराई का मतलब ही पता चल रहा, घर यानी कि बिल्डिंग टैक्स होता था। दूसरा चराई टैक्स होता था, जिसको कहते थे ग्रेजिंग टैक्स यानी कि पेस्ट्रोल टैक्स, पशुओं को चराते थे उसके लिए भी टैक्स देना पड़ता था। आर्ट एंड कल्चर अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे क्या था, देखिए अलाउद्दीन खिलजी के पास सोशल एंड कल्चर, तो इन्होंने एक बहुत जाने माने स्कॉलर को पेट्रोनाइज किया था, कौन थे वो, अमीर खुसरो थे, जिन्होंने एक बुक लिखी है नूर सीफ पर, सुल्तान के ऊपर लिखी है, अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर लिखी है अमीर खुसरो ने नूर सू पर। इनको जो है अलाउद्दीन खिलजी ने उपाधि दी थी, क्या दी थी, तूत ए हिंद, तूती ए हिंद यानी कि पैरोट ऑफ इंडिया की उपाधि दी है किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। इन्होंने एक दूसरे अलाउद्दीन खिलजी ने एक और स्कॉलर को जो है पेट्रोनाइज किया था, इन्हीं के कोर्ट के अंदर था, मीर हसन दहलवी, राइट। आर्किटेक्चर में देखिए इन्होंने क्या किया, तो आर्किटेक्चर में जब हम आर्ट एंड कल्चर की बात करेंगे, तो दिल्ली सल्तनत की सारी मिडिवल इंडिया के जितने आर्ट एंड कल्चर है, एंशिएंट इंडिया के जितने आर्ट एंड कल्चर है, सबके बारे में बात करेंगे। तो अभी के लिए आप देख लिए अलाई दरवाज़ा जो कि मेहरौली में ये बना हुआ, जाके देख सकते हैं। हौज खास जो कि दिल्ली में है, महल हजाज सतूम ये भी एक इन्होंने बनवाया है महल पहले से, और जमायत खाना मॉस्क्यू भी इन्होंने बनवाया है, अलाई मीनार भी इन्होंने बनवाया है, और सीरी फोर्ट दिल्ली में न्यू कैपिटल इन्होंने बनाया था, और सीरी फोर्ट भी इन्होंने ही बनवाया है दिल्ली के अंदर। तो आई होप कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। और जो लास्ट में बताता हूँ, चलते चलते बताता हूँ कि मुबारक शाह का जो स्लेब होता है वो स्लेब है ये खुसरो शाह, इसका जो ओरिजिनल नाम होता है खुसरो शाह का नाम होता है हसन, ये एक कन्वर्टेड, ये एक हिंदू होता है, कन्वर्टेड मुस्लिम होता है, तो इसे जो है नॉबल्स वगैरह डिनाई कर देते हैं कि हम इसे अपना शासक नहीं समझेंगे, अपना सुल्तान नहीं समझेंगे, तो ये ज़्यादा
नहीं रूल कर पाता, और ये इसे जो है गाजी मलिक, ठीक है ना, गाजी मलिक जिसको गयासुद्दीन तुगलक कहते हैं, वो इसे मार देता है, और इसे मारने के बाद तुगलक डायनेस्टी जो है वो स्टेबल करता है दीपालपुर से। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आएगा। तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करके बताइए, और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।